अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन पे हम आपसे दो लेक्चर कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स, कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। ठीक, चलिए। जब कम्बिनेशन होती है कार्बन हाइड्रोजन्स की तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज का हमारा लेक्चर है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उसको हमने स्टडी करनी। बिफोर दिस के हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की स्टडी करें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, लास्ट टाइम जिस लेक्चर को मैंने दिया था उसकी कुछ बातें मैं हाईलाइट कर दूँ फिर से। आपके पास जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है इसको हम बोलते हैं अल्केन्स। दीज आर अल्केन्स। ठीक, तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है वो अल्केन्स होते हैं, और तमाम वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है वो तमाम अल्कीन्स कहलाते हैं, अल्कीन्स। और तमाम वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो तमाम के तमाम अल्काइन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अल्काइन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन्स कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर अल्काइन्स। अच्छा, तो ये अल्काइन्स, अल्कीन्स, अल्केन। अच्छा, तो यहां मैं कह रहा था आपसे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है अल्कीन्स। ये ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन्स, सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक हो गया। इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे आप बोलते थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हर एक के लास्ट में ए नहीं लगाते थे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा चले इसको लिख दूँ, मीथेन इसको बोलते हैं, मीथेन यहाँ पे जब आपके पास मीथेन में एक्चुअल में चूँकि एक ही कार्बन होता है तो मीथेन के लिए हम मेनली ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते, बट एक कार्बन के केस में हम यूज़ नहीं करते, दो कार्बन के केस में हम यूज़ करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इथेन की बात करते हैं, इथेन। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब आप इथेन को करते हो तो यहाँ पे दो कार्बन आ जाते हैं, जब आप इथाइन करते हो, बल्कि यहाँ पे इथीन करते हो तो ये ऊपर मौजूद भी आ लेती है, आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे जब आप इथाइन करोगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर कार्बन को हम यहाँ पे फिर से बनाए तो कार्बन ग्रुप फोर से बिलोंग करता है, इसके लास्ट शेल में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में इसको टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूट होते हैं इसमें दो, तो दो थ्री टू आर सिक्स, ये एच पी सी एच सी एच थ्री। ठीक है जी। और डबल बॉन्ड में क्या होगा, टू टू आर फोर ऑलरेडी है, फोर इसको और चाहिए, तो सी एच टू इधर भी, सी एच टू इधर भी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एच टू सी सी एच टू। ट्रिपल बॉन्ड में इसी तरह थ्री टू आर सिक्स, थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, कौन कितने होंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे इस बॉन्ड के अंदर, सिक्स प्लस टू एट, सिक्स प्लस टू एट, टू वन आर टू, यानी एक हाइड्रोजन चाहिए दोनों को, सी एच सी एच। बात समझ आ गई। अगर मैं इसको उठा के थोड़ा सा फिर से बता दूं, देखो इसमें मैंने क्यों बोला कि थ्री टू आर सिक्स, ईच बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहा है, दो, तो तीन बने हुए तो थ्री टू आर सिक्स, डॉट सात वाला कार्बन क्रॉस सिक्स हो गए, कोवलेंट बॉन्ड है इसके, जो ये वाले होंगे ये आपके पास यहाँ और एक यहाँ, तो ये सिक्स प्लस टू एट, सिक्स प्लस टू एट। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ अटैच होते हैं। खैर, ये आपके सामने इथेन है, इसी हिसाब से अगर आप
प्रोपेन की बात करते हो। प्रोपेन प्रोप जो है वो आपको पता है स्टेम है और एन जो है सफिक्स है। प्रोप आपको बताता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। प्रोप आपको बताता है कि यहाँ पे तीन कार्बन ऑफ एटम है। प्रोप स्टैंड फॉर 3 कार्बन एटम, ब्यूट स्टैंड फॉर 4 कार्बन एटम, पेंट स्टैंड फॉर 5 कार्बन एटम। इसी तरह पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, ये सिचुएशन है आपके पास। पेंटेन अगर आप चेक करो हर एक में सिंगल बॉन्ड 3+2 5। पेंटीन में मैंने क्या बोला था, एक एटलीस्ट एक कार्बन में डबल होना चाहिए किसी एक में, बाकी सब भले सिंगल हो लेकिन एक डबल होने से इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसकी जो सफिक्स है वो एनी हो जाएगी, ये प्रोपेन से प्रोपीन बन जाएगा। ठीक, अगर एक ही कार्बन, अब मैं यहाँ सब डबल नहीं बना रहा, चलो मैं थर्ड में बनाता हूँ डबल। ठीक है, ये थर्ड है, इससे अगले के साथ वो डबल बना रहा है 3+2 5। इसी तरह पेंटाइन में भी एटलीस्ट एक कार्बन में ट्रिपल बनेगा, यहाँ जरा सेकेंड में मैं ट्रिपल बना देता हूँ। ये सिचुएशन, ये आप पेंटाइन पढ़ा जाएगा, ये पेंटीन पढ़ा जाएगा और पेंटेन पढ़ा जाएगा। पेंट क्या है, स्टेम, और वाईनी ईएनी एनी क्या है, आपके सामने सफिक्स। सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है कैसा बॉन्ड बना हुआ, और स्टेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जितने नंबर, ये इसकी स्टेम्स है, इसलिए सबके सब क्या लगा हुआ, पेंट पेंट पेंट। ये जो सफिक्स है क्यों चेंज है, बॉन्ड चेंज है, बॉन्ड चेंज है, बॉन्ड चेंज है। समझ आ गई बात। ठीक है जी, अब कार्बन एटम के हिसाब से अगर बात, इसके बॉन्ड अगर पूरे करने की बात की जाए तो बॉन्ड पूरे करने के लिए आज से आप इसको क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड है, लास्ट पे 3 लगा दो, स्टार्ट पे 3 लगा दो, ये पहले बता चुका हूँ। बीच के सब कार्बन में कितने लगाने हैं, दो दो हाइड्रोजन, CH2 CH2 CH2, कंप्लीट। ठीक हो गया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि आपको एल्केन्स अल्कीन्स अल्काइन्स का फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है, अल्केन्स का फार्मूला है CnH2n+2, अल्काइन्स का फार्मूला है CnH2n-2, और अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। आप जस्ट n में वैल्यू पुट करें, आपके पास स्टैंडर्ड सफिक्स स्टेम आ जाएगी, उसकी कंप्लीट स्टेम आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। ठीक है, तो ये है हाइड्रोकार्बन, देख सकते हो दीज आर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, और ये है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के ये फार्मूलाज हैं जो आपके सामने हैं, ये सारी उसकी जो है फैमिली है कंप्लीट तरह से। इसके अंदर आप आपके कोर्स में टोटल 10 किस्म के स्टेम्स पढ़ाए जाते हैं, टोटल 10 स्टेम्स पढ़ाई जाती हैं नेमिंग के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है ये वाला, अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि आप जैसे एक नाम है नोनेन, ठीक है, नोनेन ये स्टेम है, नोनेन नोनीन नोनाइन। अब आपको फर्स्ट स्टेम पता है n फॉर n इज इक्वल टू 9, आप n इज इक्वल टू 9 यहाँ पुट करते हो, तो शर्त ये कि कार्बन कार्बन में सब में सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए, आपके पास कार्बन के और हाइड्रोजन के अमाउंट आ जाएगी C9। जरा पुट करके देखें, नोनेन के लिए C9 2 9 18 + 2 20, C9H20, यानी C9 के अंदर टोटल 20 हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेंगे।
फिर इधर आ जाओ C9H29 18, यहाँ C9H18, यहाँ पे आ जाओ C9 29 18 -2 16, C9H16। एटलीस्ट एक कार्बन में अगर कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, इसी के अंदर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड बना होगा एक कार्बन के पे भी, तो आपके पास C9H29 18, मतलब C9H16 का जो है वो बॉन्ड आप पाया जाएगा किसी एक कार्बन पे एटलीस्ट, अगर ट्रिपल बना होगा तो। यहाँ किसी एक कार्बन पर अगर डबल बना होगा तो तादाद आपके सामने आ जाएगी C9H के हिसाब से। चलो इसको जरा चलो पेंटीन के हिसाब से देखते हैं, अल्कीन को ना पेंटीन के हिसाब से देखते हैं। देखो C5 2 5 10, C5H10, ठीक। तो C5H10 के लिहाज से क्या है, CH3, फिर नेक्स्ट ये 2 ये 4, कितने चाहिए 2 इसको चाहिए CH2, यहां कितने 2, यहां कितने 3, तो 3 2 6, कितने चाहिए 1H, ठीक हो गया। नेक्स्ट इधर आ जाओ, पीछे भी 2 आगे भी 2, 2 2 4 + 2 6, कितने चाहिए 1। नेक्स्ट यहां आ जाए, पिछला बॉन्ड बना हुआ है, नेक्स्ट 3 चाहिए इसको। अब जरा हम देखते हैं क्या बाकी है C5H10 बन रहा है, 3 1 4 5 7 3 10, समझ आ गई C5H10। अब यहां पे एटलीस्ट एक कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन में एटलीस्ट डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक। जब ये बनाओ तो आपके सामने फॉर्मूला आपके सामने। चलो अब इसको देखते हैं पेंटाइन के हिसाब से, C5 पुट किया, 2 5 10 10 -2 8, C5H8 आ रहा है, तो देखते हैं बाकी H8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बॉन्ड बना CH3, यहाँ बॉन्ड पूरी तरह से पूरा है, कैसे बना 3 2 6 + 2 8, नो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, इसको भी देख लो 3 2 6 + 2 8, नो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। अब यहाँ आ जाओ 2 4, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए CH2, फिर इधर आ जाओ 2 3 2 6, ये लो 3 + 2 5 + 3 8, तो आपके सामने C5H8 आ रहा है, समझ आ गया। ये आप फॉर्मूला में पहले पुट कर सकते हैं, अगर आपको देखना है, वैसे आप को इतना कंसेप्ट अब आ चुका है कि आप डायरेक्ट भी इसकी पुटिंग कर सकते हैं हाइड्रोजन की, तो वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्केन अल्केन अल्काइंस का फॉर्मूला क्या है। ये आपके पास इतना नॉलेज इसका होना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा बिफोर दिस कि मैं आपको बताऊं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का पता करना बहुत आसान है। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड वो है आपके पास एल्कीन एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, वो तमाम जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो तमाम जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। यू कह रहे कि ऑल द मल्टी बॉन्ड्स हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, ठीक। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, कार्बन कार्बन मल्टी बॉन्ड वाले कैसे होते हैं अनसैचुरेटेड। ये तो बड़ा शार्ट सा कंसेप्ट था, इसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन वो नॉलेज आपके पास जरूरी था इससे पहले। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है जी, सिंपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्केन्स, तमाम अल्केन्स कौन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन हेप्टेन, ये सारे के सारे क्या है, ये तुम्हारे पास सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ ये तमाम के तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
डबल ट्रिपल ये तमाम के तमाम अल्काइंस हैं और अनसैचुरेटेड। ये नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो कैटेगरी है ये वाली, ये जो कैटेगरी है इस तरफ है, ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड है, और ये जो एक कैटेगरी ये वाली, ये सारे के सारे सैचुरेटेड है। ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड्स ये रहा, डबल ये रहा, ट्रिपल ये रहा, तो दीज आर दी जस्ट लाइक अल्कीन एंड अल्काइन्स, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है। अब आपके पास सेल्फ असेसमेंट है 11.2। देखो बहुत आसान, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया है वो दिया है आपके पास प्रोपेन का, फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोपेन का दिया है। यानी अगर आपके पास ये प्रोपेन है तो सिंपल ये कौन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो इसी तरह नंबर टू पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन, ये कौन है, ये अनसैचुरेटेड है। नंबर थ्री पे देखें आपके पास फिर से प्रोपीन है, ये भी आपके सामने अनसैचुरेटेड है। जो आपके पास नंबर फोर है वो भी आपके सामने एक ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, डबल बॉन्ड या मल्टी बॉन्ड जिसमें भी बना होगा वो तमाम के तमाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्केलर है। ठीक है जी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा नेमिंग अल्केन्स के बारे में। इसके बारे में नेमिंग अल्केन्स, होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। समराइज क्या है, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तमाम के तमाम क्या है, सैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तमाम क्या है, अनसैचुरेटेड। दैट्स इट।